आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरी प्रैक्टिकल वेट लॉस जर्नी की टिप्स को शेयर करूंगी जो मैंने फॉलो किया है आप देख सकते हैं मेरी बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स थ्री मंथ में ही मैंने ट्वेंटी किलो वेट लूज़ किया था एंड काफ़ी प्रैक्टिकल टिप्स हैं आप चाहे कोई भी जेंडर कोई भी एज के हो आप इसे फॉलो करके अमेजिंग रिजल्ट पा सकते हैं आई कैन से यू दिस थिंग एंड आपकी जो सारी प्रीवियस मेरी वीडियोज़ में क्वेश्चन थी कि कौन सी डाइट को फॉलो करें क्या एक्सरसाइज करें जिनको कोई एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम भी होती है या फिर जिन्हें समझ में नहीं आता है कि हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू कोप वेट लॉस जर्नी तो उनको यह वीडियो एकदम एंड तक देखनी ही है क्योंकि सारी जो मैं पॉइंट बताऊंगी बहुत ही सिंपल है और अगर आप इसे फॉलो करते हैं आपको बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट मिलने वाला है सो so, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आप अपनी वेट लॉस जर्नी को आज से ही शुरू कर दीजिए हेलो एवरीवन डॉक्टर मोइत्री हियर वेलकम टू माई चैनल और आज है डे सिक्स ऑफ द सेवन डेज वीडियो मैराथन सीरीज़ जो हर शाम आठ बजे आ रही है मेरे चैनल पर लाइव जहाँ पर हम बात करते हैं आपकी कॉमेंट्स की जो आप अपनी वेट लॉस जर्नी में फेस करते हैं उसका मैं सल्यूशन देती हूँ तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ को मिस किया है उसे चेक कर लीजिए यहाँ पर आई बटन में और जो वीडियो की मैं बात कर रही थी हाउ आई लॉस्ट ट्वेंटी के जेज इन थ्री मंथ्स उसे भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा आपकी कोई कॉमेंट है तो आप भी पूछ सकते हैं वो नीचे ताकि मैं उसको भी एड्रेस कर पाऊँ और अगर आप यहाँ नए हैं मेरे चैनल से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना करने के लिए प्लीज़ हिट द रेड सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन बटन बिसाइड दैट उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स लाने की तो आज हम प्रैक्टिकल कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आप अपनी वेट लॉस जर्नी में श्योर से फॉलो कीजिए एंड आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है एंड ये बहुत ही कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है कुछ भी डाइटिंग वगैरह ये सारी बातें मैं आपको नहीं बताऊंगी प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बताऊँगी और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो डू दैट ऑल्सो वहाँ भी मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ तो फर्स्ट थिंग जो मैं बात करूंगी वो है जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी को शुरू करते हैं आपको अपने खाने की ओर ध्यान रखना होता है तो काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कितना खाना चाहिए क्या खाना चाहिए कितनी कैलोरीज मेंटेन करनी चाहिए एंड काफ़ी सारी चीज़ें तो पिछले वीडियोज़ में ये सारे क्वेश्चन आई थी तो उनका भी क्यूमुलेटिव आंसर है इस वीडियो में तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि आपको प्रॉपरली खाना कैसे खाना चाहिए अगर आप अपने खाने के लिए बैठ रहे हैं प्लेट में अपना खाना लेकर बैठ रहे हैं तो जो फर्स्ट थिंग आपको ध्यान में रखना है वो है आपकी मील प्रोपोर्शनिंग कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट आ, फाइबर्स की आपको लेना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अगर आप प्रॉपर प्रोपोर्शन मेंटेन करोगे तब आप कभी भी अपना वेट गेन नहीं करोगे ऊपर से आपकी अगर एक्सेस वेट है तो आप उसे लूज भी करोगे लेकिन अगर आपने कम ज़्यादा खा लिया तो वेट गेन तो होगा ही साथ ही साथ अगर कम हो जाता है कुछ भी प्रोपोर्शन में फॉर अ लॉन्ग रन तो वो आपकी बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है बहुत डेफिशिएंसी भी आपको हो सकती है जिसके कारण आप इल भी पड़ सकते हैं बीमार पड़ सकते हैं तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कैसे आपको अपनी मील प्रोपोर्शनिंग करनी चाहिए टू लूज द एक्स्ट्रा अनहेल्दी वेट फ्रॉम योर बॉडी अगर ये है आपकी प्लेट तो आपको कैसे डिवाइड करना है अपने पोर्शंस का चलिए देख लेते हैं पहले आप अपने प्लेट को ऐसे हाफ़ कर लीजिए और हाफ़ साइड में आप रॉ वेजिटेबल्स या सैलड से भर लीजिए और नेक्स्ट हाफ़ को भी आपको और हाफ़ दो पोर्शन में डिवाइड करना है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव जिसके एक पोर्शन में रहेगी आपकी प्रोटीन जिसमें अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग चिकन फिश वेजिटेरियन है तो टोफू सोया पनीर ले सकते हैं और डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें क्या है प्रोटीन सोर्सेज आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए और कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए उसे आप आई बटन में क्लिक करके जरूर चेक कर लें और बाकी के ट्वेंटी फाइव पोर्शन में आपको लेना है रोटी या चावल और यहाँ जो क्वांटिटी मैंने बता दिया है बस आपको उतना ही रोटी या चावल लेना है जिसमें आपकी अगर एक रोटी आती है तो एक रोटी या फिर जितना चावल आता है उतना अगर आपको ये पूरा प्लेट कंप्लीट करने के बाद भी भूख लगती है तो अपनी वेजिटेबल्स की साइड को पहले आप फिल कीजिए उसे कंप्लीट कर लीजिए और फिर भी अगर आपको भूख लगती है तो आप अपनी प्रोटीन के साइड को थोड़ा सा फिल कर लीजिए और उसके बाद भी अगर आपको भूख लगती है तो आप थोड़ा सा इस पोर्शन के हाफ पोर्शन में कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा कभी भी नहीं क्या आपको पता है आपकी वेट लॉस की सीक्रेट आपकी प्लेट में छुपी है कैसे चलिए देख लेते हैं आप जिस भी साइज के डिश में खाना खाते हैं आज से आप उससे एक साइज छोटी डिश में खाना खाना शुरू कर दीजिए इससे एक तो आपकी पोर्शन कंट्रोल हो जाएगी जिससे आप ओवर ईट नहीं करोगे और दूसरी आपकी माइंड को सिग्नल पहुंच जाएगी कि आपकी प्लेट में जितना खाना है उतना ही आपके लिए सफिशियंट है जैसा इस प्लेट में अगर मैंने एक रोटी रखा है तो आपको लग रहा होगा कि इतने बड़े प्लेट में बस एक रोटी है तो मुझे और भी लेना चाहिए वहीं इस प्लेट में अगर आपकी एक रोटी है तो आपको प्लेट के साइज के अकॉर्डिंगली लगेगा कि ये काफ़ी है मेरे लिए और इतना ही खाकर मैं फुल रहूँगी पूरा डिपेंड करता है आपके माइंड पर आप क्या देख रहे हैं और यही आपके टमी को भी सैटिस्फाइड रखेगा कभी भी अपने सर्विंग प्लेट को अपने डाइनिंग टेबल पर मत रखिए अपने किचन में ही उसे रखिए जब अपनी प्लेट कंप्लीट होने के बाद भी आपको भूख लगती है तो आप किचन तक उठ के जाइए और अपने प्लेट को फिल कीजिए जैसा कि मैंने पहले बताया है और उसको फिर वापस लेके आके आप खाइए इससे आप तो ओवर ईट नहीं करोगे और बार बार जाते आते आपको ध्यान में रहेगा कि कब आपको स्टॉप करनी है लेकिन अगर आँखों के सामने आपकी खाना रहेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप अपनी प्लेट को फिल करते रहोगे और ओवर ईट कर लोगे हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि हमें अपने खाने को जल्दी से कंप्लीट करना है फिनिश अप पेट फास्ट हरी अप ये आपने भी सुना होगा लेकिन पता है क्या आपको कि इस चक्कर में क्या होता है हम जल्दी जल्दी अपना खाना खा लेते हैं और हमें ये पता तक नहीं चलता है कि कब हम खाना खाकर फुल हो चुके हैं और कहाँ पे हमें स्टॉप करना है तो हम इसी चक्कर में ओवर ईट कर लेते हैं और वहीं पे सारा वेट गेन का गेम शुरू हो जाता है तो जब भी आप अपने खाने को ले रहे हैं अपने प्लेट पे नेक्स्ट टाइम से आप उसे च्यू कीजिए फॉर एटलीस्ट ट्वेंटी टाइम्स अगर थर्टी टाइम्स भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है और धीरे धीरे खाना खाने से आपके ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंचेगी कि कब आप फुल हो रहे हैं और वहीं पे आप स्टॉप कर सकते हैं ओवर ईटिंग से बच सकते हैं जो आपको खाने की ज़रूरत नहीं है आपके बॉडी के लिए वो वाला खाना भी आप तक के बॉडी तक नहीं पहुँचेगा और वो आपको वेट गेन नहीं करवाएगा so remember this point from the very next meal you are having. Practicing mindful eating or eating without distraction is a very good step if you are starting your weight loss journey. अगर आप अपने खाने के वक्त कोई भी entertainment की source यानी mobile, TV, laptop, gadgets या फिर किसी से बात करते हुए भी खाना नहीं खा रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान आपके खाने की तरफ रहता है। आप अपने खाने को अच्छे से फील कर रहे हैं टेस्ट कर रहे हैं और इससे क्या होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको लगता है कि हाँ मैंने अभी तक खाया है अपना खाना एंड आई एम फुल नाउ एंड आई शुड स्टॉप नाउ तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी को शुरू करना चाहते हैं आप जब भी खाना खा रहे हैं अपनी कोई भी प्रॉपर मील ब्रेकफास्ट लंच या डिनर उससे 40 मिनट्स पहले आप एक ग्लास या फिर दो ग्लास पानी ज़रूर पी लीजिए इससे क्या होगा कि आप आ, थोड़ा ज़्यादा फुल पहले से ही हो जाओगे और खाने के वक्त जो एक्स्ट्रा भूख लगती है जो खाने को देखकर ही हमें भूख लग जाती है और इमोशनली हम खाना शुरू कर लेते हैं उससे हम बच जाएंगे और इससे और एक फ़ायदा होगा कि आप अपने पानी को भी ठीक से पी रहे हैं एंड यू विल स्टे हाइड्रेटेड और आपकी बॉडी की डिटॉक्सीफिकेशन भी हो जाएगी ये थी कुछ सिंपल सी पॉइंट्स जो आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं कोई भी डाइट प्लान को फॉलो कीजिए लेकिन ये सारी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा और साथ में अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है आप हैवी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं इनको अप्लाई करना शुरू कर दीजिए आप बिगिनर हैं आपकी स्टैमिना भी नहीं है तो भी आप इनको प्रैक्टिस करने शुरू करते ही आप देखोगे कि आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है दीज आर ऑल साइंटिफिकली प्रोवन पॉइंट्स एंड मैंने खुद मैं प्रैक्टिकल आपके सामने एग्जाम्पल हूँ कि इन्हें फॉलो करके मुझे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है एंड स्टिल नाउ आई फॉलो दीज पॉइंट्स तो आपके प्रीवियस uh, वीडियोस में आपने जो मुझे क्वेश्चंस किया था उनका मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारा रिप्लाई दे दिया है और जो भी रिमेनिंग है उसको भी मैं एड्रेस करूंगी तो आपकी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है विदाउट एनी हेजिटेशन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड आई एम गोइंग टू आंसर दैट और uh, अगर वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक ज़रूर दीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा Uh, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा अगर मेरे छोटे छोटे uh, कोशिश के कारण आपकी लाइफ में आपको मैं हैप्पीनेस दे सकूं तो वैसे भी मेरे काफ़ी सारे uh, जो सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है दे आर शेयरिंग या दे जर्नी विथ मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो मैं पिन कर देती हूँ हर किसी के कॉमेंट्स को यू गो थ्रू देम काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारा अपना वेट लूज़ किया है टेन ट्वेल्व किलोज़ और आप उनसे भी मोटिवेशन दे सकते हैं एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टूगे डेफिनेटली सम गुड रिजल्ट और इसी के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूं कल की वीडियो भी बहुत एक्साइटिंग होने वाली है डू नॉट मिस दैट एंड या इफ यू हैवन सब्सक्राइब डू हिट द रेड सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन बटन डिसाइड दैट टू नेिस एनी अपडेट्स तो चलिए आज के लिए बस इतना ही बाई टेक केयर